वेलकम इन टूडेज कंसेप्ट टॉक ऑफ ओएसबी इंडिया। आज हम ओएसबी इंडिया के इस कंसेप्ट टॉक में बात करने जा रहे हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो है होमोलोगस रिज। तो आज हम होमोलोगस रिज पर बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि होमोलोगस रिज क्या होता है। ये टॉपिक आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस आया है, पुराने सिलेबस के लिए तो है ही, जो नया वाला सिलेबस आया है इस नए वाले सिलेबस में भी होमोलोगस रिज इंक्लूडेड है। इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से देखें, इस टॉपिक से सवाल आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो देखिए क्या होता है होमोलोगस रिज। तो होमोलोगस रिज समझने से पहले आपको ये टेबल थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। क्या है ये टेबल, आपके किताब में भी ये टेबल उपलब्ध होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा समय लेके। तो सबसे पहला जो आपका नाम है वो क्या है, मीथेन, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला आपको क्या दिख रहा है, C2CH4, ठीक है। उसके बाद इथेन, इथेन का फॉर्मूला C2H6। प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, C3H8। ब्यूटेन, C4H10। तो इस प्रकार से आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा। तो आप देखिए ये सक्सेसिव है, मीथेन के बाद इथेन, इथेन के बाद प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ठीक है। तो ये अल्केन ग्रुप का है, ठीक है, और अल्केन ग्रुप का ये सक्सेसिवली दिया हुआ है, ऊपर में मीथेन फिर इथेन, हर में कार्बन एक एक बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक सीरीज होता है, आपको इसी सीरीज में समझना है, ट्रेंड दिख रहा होगा, कौन सा ट्रेंड दिख रहा है। आप जब पहला देखिएगा मीथेन तो उसका फॉर्मूला है CH4, और जब आप इथेन देखिएगा तो उसका फॉर्मूला है C2H6। आप लोग मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ चुके हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। आप देखिए इसमें और इसमें सेकंड वाले में दोनों को मिला के कौन सा कॉमन डिफरेंस है, ऊपर एक कार्बन है और नीचे में कार्बन की संख्या कितनी हो गई है, दो, यानी एक कार्बन बढ़ चुका है। ऊपर में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ऊपर में हाइड्रोजन चार है और नीचे में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, छह है, यानी कि हाइड्रोजन दो बढ़ चुका है, यानी CH2 का डिफरेंस हर सक्सेसिव में आपको दिखेगा, यानी एक के बाद अगला। अच्छा आप इस दोनों को कंपेयर कीजिए, आप इस दोनों को भी कंपेयर कीजिए, तो इसमें क्या है C2H6 और इसमें कितना है C3H8। तो आप जब देखिएगा C2 है और यहां C3 है, एक कार्बन ज्यादा है नीचे वाले में और ऊपर में छह कार्बन है और नीचे वाले में आठ कार्बन है, सॉरी ऊपर में छह हाइड्रोजन है और नीचे वाले में आठ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का भी अंतर कितना है, दो का अंतर है CH2। तो हर सक्सेसिव के बाद, यानी कि अगर सिमिलर फंक्शनल ग्रुप है, यानी सबके लास्ट में एन, अल्केन एन, सबके लास्ट में आप देखिए ANE लगा हुआ है, अगर सबके लास्ट में YANE लगा हुआ होता या सबके लास्ट में अल्कोहल लगा हुआ था OL या एसिड लगा हुआ होता ओइक एसिड OIC एसिड, ठीक है। तो जो भी सबके लास्ट में अगर एक चीज ही लगा होता तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता वो कितना होता, CH2 होता, ठीक है। तो लास्ट में जो लगा हुआ होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो हुआ है, आपको एक प्रैक्टिकली हमने समझा दिया, लेकिन जब एग्जाम में सवाल आएगा तो आप कौन सा आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब आपके स्क्रीन पे होमोलोगस रिज का डिफिनेशन है, आप सेम टू सेम अगर ये डिफिनेशन लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटने की संभावना एकदम न्यूनतम है, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगी। तो क्या है होमोलोगस रिज, होमोलोगस रिज इज ए सीरीज ऑफ कंपाउंड, ठीक है। होमोलोगस रिज क्या है, एक कंपाउंड का सीरीज, जिस प्रकार से ये कंपाउंड था CH4 C2H6 C3H8, तो ये क्या है, कंपाउंड है और उसका एक क्या है, सीरीज है। तो होमोलोगस रिज इज ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो सारा का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, देखिए सबके लास्ट में अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सबके लास्ट में ANE लग रहा है, यानी कि सबके लास्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सेम, हैव सम फंक्शनल ग्रुप या सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ रहे लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टी कब सेम होगा, जब उसके लास्ट में जो लगा हुआ है वो सेम होगा, ठीक है। यानी कि अगर जो उसके लास्ट में अल्केन लगा हुआ है तो सब में अल्केन रहना चाहिए, YANE लगा हुआ है अल्काइन तो सबके लास्ट में लगा होना चाहिए, वो फंक्शनल ग्रुप कुछ होना चाहिए और उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरिंग विद द सक्सेसिव मेंबर बाय CH2, वो अपने अगले मेंबर से CH2 से डिफर करेगा। आप देख चुके हैं इसके बाद पिछले वाले से अगला CH2 ज्यादा, उसके बाद वाला उससे CH2 ज्यादा, उसके बाद वाला उससे CH2 ज्यादा, ठीक है। अच्छा एंड 14 एटॉमिक मास यूनिट, और 14 एटॉमिक मास यूनिट से भी डिफर करेगा, मतलब दो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन का एटॉमिक मास आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे 12 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन 2 है तो दो हाइड्रोजन नहीं दो जुड़ जाएगा और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट, तो 14 एटॉमिक मास यूनिट का भी डिफरेंस होगा। तो यही होमोलोगस रिज का प्रॉपर डिफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपके मार्क्स और भी बेहतर मिलेंगे, तो आप दो एग्जाम्पल डाल सकते हैं,
CH4 NC2H6, ठीक है। तो आप देख लीजिए वही है एग्जाम्पल में, आपका कौन कौन सा है, मीथेन, इथेन, ठीक है। तो ये किस कितना का अंतर है, CH2 का अंतर है, अच्छा, या फिर आप इथेन और प्रोपेन को डाल दीजिए, ठीक है, तो वो भी आपका वही अंतर है, ठीक है, CH2 का अंतर है और 14 एटॉमिक मास यूनिट का अंतर है, ठीक है। तो आज हमने आपसे बात किया होमोलोगस रिच पर। अगर आपके पास कोई सवाल है या किसी टॉपिक में आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपके जो साथ पढ़ रहे हैं, आपके जो मित्र हैं, उन्हें भी इसका लाभ हो सके। और अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।